हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे सेवा अदिति की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और सेवा अदिति गए हुए थे मंदिर, यानी कि शनि मंदिर गए हुए थे नए साल पर। उस दिन से वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि एडिटिंग वगैरह मैं ही करती हूँ। और इसमें सेवा अदिति की जो है लाइफ स्टाइल दिखाऊँगी मैं, और जो DIY होते हैं, मेकअप वगैरह होता है, ये सारे कुछ वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, मतलब मैं भी जा रही थी। सर्दी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि शाम हो गई थी ना, तो मैंने अपनी कैप लगा ली है। ठंडी लग रही थी बहुत तेज़ से। और सो अदिति कह रही थी इस कैप को निकालूँ पहले, तो फिर मैंने निकाल ली थी। और बस यहाँ पे भैया लोग भी आगे जा रहे हैं। शनि मंदिर है जो कि मऊसानिया में, छतरपुर से थोड़ी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे शनि मंदिर है, बहुत अच्छा शनि मंदिर है, मतलब तालाब के बीचों बीच है। और ये देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तालाब। फिलहाल तो फसल बोई गई है क्योंकि बारिश, आप लोगों को पता है कि मतलब आजकल इतनी बारिश होती नहीं है। पहले बहुत बारिश हुआ करती थी, अब तो खैर नहीं होती इतनी बारिश। तो तालाब खाली है फिलहाल। तो यहाँ पे मतलब पूजा का सारा सामान मिलता है, जो लोग आए तो वो जा सकते हैं। जैसे कि जो शनिदेव को चढ़ाया जाता है, तेल, काले तेल, काला कपड़ा, लोहे की कील वगैरह सारा कुछ मिलता है यहाँ पे चढ़ाने के लिए। तो घर से लेके कुछ नहीं जाना पड़ता है, बस यहाँ पे पैसों से 40-50 रुपए की एक थाली मिलती है जिसमें नारियल और भोग भी रहता है, तो यहाँ पे चढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो बेबे चलो